तुमने नहीं किया, मतलब ये सब मैंने किया हा? इतने बड़े दरिंदे निकलोगे तुम, मुझे नहीं पता था। मैंने तो तुम पे विश्वास किया था कि मैं एक अच्छे इंसान के घर जा रही हूँ, और मुझे क्या पता था पीने के बाद तुम इतने बड़े राक्षस बन जाओगे। तुमने पता नहीं मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, तुमने किसी का मुंह नहीं खाने के लायक नहीं रही। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारी पहली डेट वो भी मेरे घर पे। तो फिर तुम क्या चाहते हो कि मैं चली जाऊँ? और जाने कौन देगा? अच्छा जी, तुम मुझे रोकोगे? नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हम पहली बार मिले हैं और हमारी पहली डेट है, तो थोड़ा टाइम तो बिता ही ले साथ में। मुझे लगता है कि तुम्हारी रातें कुछ सही नहीं है, कहीं लड़की देख के तुम फिसल तो नहीं गए? अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो सब छोड़ो, तुम कोल्ड ड्रिंक पियोगी ना, मैं लेके आता हूँ। एक मिनट, मैं तुम्हारे कुछ लेके आई हूँ। ये देखो, तुम ड्रिंक भी करती हो? हाँ कभी कभार। क्यों, तुम नहीं करते? नहीं यार, मैंने कभी ड्रिंक नहीं की। सच में कभी तुमने नहीं पी? नहीं। ठीक है, तो आज एक गिलास ट्राई कर लो। छोड़ो ना यार, रहने देते हैं, तुम भी मत पियो। अरे यार, एक ही गिलास ट्राई करने को बोल रही हूँ, चलो ना यार। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। कहाँ? अब तुम ड्रिंक तो ट्राई करना चाहते नहीं हो, तो फिर मैं आके क्या करूंगी? अच्छा ठीक है, लेकिन बस एक गिलास। हाँ हाँ ठीक है, बस एक ही गिलास। अब तुम बैठे क्यों, जो गिलास देके आओ। ठीक है। So, कौन सी वाली बनाऊं? कोई सी भी बना लो यार, मैंने तो कभी पी नहीं है। ये वाली। Cheers. पियो। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? सुन रहे तुम इसे? क्या हो गया यार, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? इतना सब कुछ करने के बाद तुम भूल गए? नहीं यार, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमने नहीं किया, मतलब ये सब मैंने किया है। इतने बड़े दरिंदे निकलोगे तुम, मुझे नहीं पता था। मैंने तो तुम पे विश्वास किया था कि मैं एक अच्छे इंसान के घर जा रही हूँ, और मुझे क्या पता था पीने के बाद तुम इतने बड़े राक्षस बन जाओगे। नहीं यार, तुम ऐसा मत। देखो मुझे छू मत, मैं कह रही हूँ तुमसे दूर रहो, तुम्हारा तो भरोसा भी नहीं है। मैं अभी जा रही हूँ पुलिस के पास तुम्हारी कंप्लेंट करने। नहीं नहीं नहीं, तुम पुलिस के पास मत जाओ यार, अगर तुम पुलिस के पास गए तो मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा, मेरी बहुत बदनामी होगी यार। और प्लीज पुलिस के पास मत जाओ। तो क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, बोलो जो तुमने मेरे साथ किया। नहीं यार, प्लीज रुक जाओ। अच्छा ठीक है, तुम जो बोलोगी वो कर लूंगा, प्लीज पुलिस के पास मत जाओ। जैसा कहोगे तो वैसे ही करो। हाँ ठीक है, नहीं जाती मैं पुलिस के पास, सब यही सही कर दूंगी, बस मेरी एक शर्त है। हाँ मानोगे ना? हाँ। तुम बस मुझे 10 लाख रुपए दे दो और मैं भूल जाऊंगी सब कुछ, और मैं पुलिस के पास भी नहीं जाऊंगी। 10 लाख रुपए यार, ये रकम तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं बस तुम्हें 1-2 लाख रुपए दे सकता हूँ यार, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। 1-2 लाख भिखारी समझ आए क्या मुझे? 10 लाख मतलब 10 लाख, अगर तुम 10 लाख रुपए दे सकते हो तो बात करो, नहीं तो मैं अभी जा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे 2 दिन का टाइम दो। बिल्कुल, 2 दिन मतलब 2 दिन, और अगर तुम्हें 2 दिन में पैसे नहीं दिए ना तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगा, और उसके बाद क्या क्या होगा तुम्हें तो पता ही है। तुम्हारे घर में छोटी बहन है, तुम्हारे मम्मी पापा है, और सिर्फ वो तो छोड़ो, तुम्हारे घर जाओ, तुम जॉब कौन देगा, जॉब से भी पता है, इसलिए 2 दिन।
हेलो, तुझे पता है ना दूसरा दिन है। अगर आज टाइम से पैसे नहीं आए ना तो अब तेरे घर पे सीधा पुलिस आएगी। इसने मेरा फोन काट दिया, इसको तो मैं बताती हूँ। मुकुल कहाँ है? वो तो नहीं रहा। नहीं रहा मतलब आज सुबह उसने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड कर लिया? आज सुबह तो मेरे उससे बात हुई थी। देखा मैंने उसका फोन और सुसाइड नोट भी, इसमें तुम्हारा ही नाम लिखा हुआ है। मेरा नाम? और कौन सा लेटर? सब कुछ लिखा उसने इसमें, तुमने उसके साथ किया क्या है। बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये लड़की मैं नहीं हूँ, कोई और होगी। मुकुल तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो तो सब पता चल जाएगा जब ये सुसाइड नोट और उसका फोन पुलिस के पास जाएगा। पुलिस? यार मुझसे गलती हो गई, मुझे प्लीज बचा लो। बचा तो मैं लूंगा तुम्हें, पर फिर भी मैं सच जानना चाहता हूँ, आखिर हुआ क्या था उस दिन? एक्चुअली मेरा उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था, सारी गलती ना मेरी थी। मैंने उसको शराब पिलाकर मुझके पास आया था, मुझे पैसों की नीड थी इसलिए। चलो अच्छा ही बोल दिया तुमने सब कुछ आज। आजा भाई आजा, रिकॉर्ड हो गया सब अच्छे से, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो गया भाई। तुम लोग आते ही मर गया? मतलब तुम दोनों मिलके मेरे साथ गेम खेल रहे थे? हाँ एक गेम तुमने खेला तो एक गेम हम दोनों ने भी खेल लिया। अच्छा मैं अभी पुलिस के पास जाती हूँ। हाँ जाओ, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके अंदर ना तुम्हारे मुंह से बोली हुई स्टेटमेंट रिकॉर्ड है, वो मैं पुलिस को दे दूंगा, उसके बाद देखेंगे तू अरेस्ट होती हो या नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैडम ये माफ तो हम कर देंगे, लेकिन हर माफी की कीमत होती है। कीमत? कैसी कीमत? तो एक छोटी सी कीमत है, 10 लाख रुपए, वो आप हमें दे दो, ये वीडियो हम डिलीट कर देंगे। 10 लाख रुपए? पागल हो गए हो क्या? पेड़ उगते हैं 10 लाख पैसे? वही तो समझाना चाहता हूँ तुझे, 10 लाख रुपए पेड़ पे नहीं उगते हैं, बहुत मेहनत से कमाते हैं लोग, और तूने बस 2 मिनट में मुझ पे इल्जाम लगाया और 10 लाख रुपए मांग लिए। तूने एक बार भी सोचा कि मैं वो पैसे कहाँ से लाऊंगा, कैसे लेके आऊंगा? मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगी तुम्हें। मैडम आपकी एक गलती मेरी पूरी जिंदगी खराब कर देती, आपने तो 2 मिनट में मुझ पे इल्जाम लगा दिया, पर आपने ये सोचा कि मेरे साथ क्या होगा, मेरी कितनी बदनामी होगी, मेरा परिवार कैसे रहेगा। सॉरी मैं बहक गई थी, मुझे पैसों की नीड थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बात 10 लाख मांगने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। जाने देते हैं। ठीक है मैडम आज माफ कर दिया, लेकिन आज के बाद ना कभी किसी लड़के के साथ ऐसा मत करना। कर रहे हैं हम ये वीडियो डिलीट और आप जा सकते हो। थैंक यू भाई, तूने मेरी इतनी मदद की। थैंक यू कैसा, दोस्ती होती किसी है।